अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और यहाँ पर जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस्त्री साफ़ करने का तरीका। जितनी भी ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल इस्त्री के ऊपर जमी होएगी ना, आसानी के साथ वो साफ़ हो जाएगी। इतना कोई इशू नहीं होता इस्त्री को साफ़ करने का। लोग इस्त्री ऐसी ही रखते हैं, उसको साफ़ नहीं करते और उसी के साथ कपड़े प्रेस करते रहते हैं और कपड़े ख़राब कर लेते हैं और इस्त्री साफ़ नहीं करते। और यहाँ पर मैं आज आपको ना नमक के साथ इस्त्री साफ़ करके दिखाऊंगी। आपने इस्त्री को फुल गर्म कर लेना, स्विच इसका ऑन कर लेना और इसको फुल आपने ना गर्म करना है इस्त्री को। यहाँ पर जी मैंने फुल इस्त्री गर्म कर ली है। और यहाँ पर नमक ले लेना, अखबार ले लें या कोई कागज़ ले लें, कागज़ के ऊपर नमक डाल लिया और इस्त्री को अब आपने उसके ऊपर ना चलाना है, नमक के ऊपर ना ऐसे चलाते जाना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस्त्री से ना निशान उतरी जा रहे हैं। पहले भी मैंने आपको इस्त्री दिखाई है और अब ये बाद में नमक यूज़ करने के बाद मैं आपको इस्त्री दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि कैसे कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। और भी बहुत से वेज हैं जिसके साथ आप इस्त्री साफ़ कर सकते हैं। पैनाडोल जो होती है, पैनाडोल गोली, उसके साथ भी इस्त्री साफ़ कर सकते हैं आप। और कोलगेट जो होती है, कोलगेट के अंदर सॉल्ट आप मिला के तो इस्त्री को फुल प्री हीट करके तो इस्त्री के ऊपर लगाना है आपने ना किसी चीज़ की मदद से, तो बाद में उसको आपने किसी टावल या रुमाल मोटी वाली चीज़ से साफ़ कर देना, वो भी इजीली साफ़ हो जाता है। तो मुझे तो ये तरीका, बाकी सब तरीके भी अच्छे हैं लेकिन मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी लगता है ना, इसके साथ जल्दी साफ़ हो जाती है इस्त्री। और यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ इस्त्री को साफ़। थोड़ा सा टाइम लगता है, जितनी गर्म इस्त्री होती है ना उतनी जल्दी साफ़ हो जाती है। और यहाँ पर जी देखें, देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी इस्त्री साफ़ हो गई और जितनी भी सारी मैल थी वो बिल्कुल उतर चुकी है। आपको मैंने पहले भी दिखाई थी और अब जी अब ये इस तरह साफ़ हो चुकी है। ओके जी।